जूते की जगह गोली मार देता अगर मेरे पास रिवाल्वर होता। जी हाँ, ये मैं नहीं, अभय सिंह चौटाला ने कहा। कल विधानसभा मानसून स्तर में अभय सिंह चौटाला और करण सिंह दलाल के बीच में कहासुनी हो गई और इसी दौरान दोनों ने एक दूसरे पर जूते तक निकाल लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इसकी कड़ी निंदा की थी, लेकिन अब अभय सिंह चौटाला ने दिया है बड़ा बयान। बोले, जूते की जगह रिवाल्वर होता तो मैं उसे गोली मार देता। दादा चौधरी देवीलाल और परिवार के बारे में कहने वाले को बख्शा नहीं जाता। आइए देखते हैं अभय सिंह चौटाला ने क्या कहा। ये सारी की सारा षड्यंत्र जो था, इसका षड्यंत्र को रचने वाला हुड्डा था। हुड्डा के कहने से कोई और एमएलए जिनका खड़ा नहीं होता, क्योंकि इनके आपस में इतनी बड़ी फूट है, इतना बड़ा विवाद है, तो इसके कहने से सिर्फ करण दलाल ही इस किस्म की छोटी हरकत कर सकता है, क्योंकि वो इसका संबंधी है। और अब भी हुड्डा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है अपने संबंधी को बचाने के लिए, या कोई और कर रहा है? केवल वो ही इस बात पे जोर लगा रहे कि ये किसी तरह से बचे, लेकिन अब बचने वाली बात नहीं है। अब तो 100% इनको जेल जाना पड़ेगा। ये हुड्डा ने ही सारा ड्रामा करा है, हुड्डा ने ही इसको खड़ा किया कि तुम इस किस्म की बात विधानसभा के अंदर कह, जिससे हंगामा हो और कांग्रेस किसी तरीके से बाहर निकल जाए और रावट वाड्रा वाले इशू के ऊपर हमें वहां खड़े होकर के सरकार के सामने कोई अपनी सफाई ना देनी पड़े। जूता पर प्रधानमंत्री पहले शायद आपकी तरफ से शुरू किया, फिर मैंने उन्हें दिखाया, कुछ इस तरह से कह रहे हैं। विधानसभा की बात बात नहीं करना चाहता, जो विधानसभा में होता है विधानसभा तक ही सीमित रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई विधानसभा का सदस्य मेरे खिलाफ टिप्पणी करे, सब में टिप्पणी करे, मैं उस बात के लिए अगर कोई कहीं गलत कह रहा हूं उस पर अगर कोई अपनी बात कहना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर कोई मुझे गाली दे, अगर कोई मेरे परिवार को गाली दे, तो फिर स्पीकर की जिम्मेवारी थी कि हाउस के अंदर वो उस चीज को प्रोटेक्ट करता। लेकिन स्पीकर तो देख रहा था, स्पीकर ने तो एक बार भी कर्ण दलाल को जब वो मेरे ऊपर छिटाकसी कर रहा था रोकने की कोशिश नहीं की। ये मान के चलो सेल्फ डिफेंस के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। ये तो मैंने जूता दिखाया था, अगर उस वक्त मेरे हाथ में रिवॉल्वर होता तो शायद मैं सर में गोली नहीं मारी। क्या शिकायत की जानते आप? ये मान के चलो कि चौधरी देवीलाल के प्रति कोई भी आदमी अपशब्द कहे, मैं उस बात को किसी कीमत पर सहन नहीं कर सकता। क्या शिकायत की जानकारी आई है? आगे लाइनों का चेक क्या रहेगा? तरह की जानकारी आपके पास आती है? पता नहीं क्या होगा मुझे, ना तो मैं शिकायत करने गया और ना मैं इन छोटी बातों पे पुलिस स्टेशन तक जाता। क्योंकि मैंने जूता दिखाया था, अगर उस वक्त मेरे हाथ में रिवॉल्वर होता तो शायद मैं सर में गोली नहीं मारी। क्या शिकायत की? क्योंकि मैंने जूता दिखाया था, अगर उस वक्त मेरे हाथ में रिवॉल्वर होता तो शायद मैं सर में गोली नहीं मारी। क्या शिकायत की? क्योंकि मैंने जूता दिखाया था, अगर उस वक्त मेरे हाथ में रिवॉल्वर होता तो शायद मैं सर में गोली नहीं मारी। क्या शिकायत की? क्योंकि मैंने जूता दिखाया था, अगर उस वक्त मेरे हाथ में रिवॉल्वर होता तो शायद मैं सर में गोली नहीं मारी। क्या शिकायत की?